रखी देवा, मारा सिद्धि कवच। She will die very soon. इन फिरंगियों को इसका दंड भुगतना ही होगा। हर हर महादेव। कर्मा, कुछ नहीं होगा तुम्हें कर्मा, कुछ नहीं होगा ये तुम्हें कर्मा। तुम्हें कुछ नहीं होगा कर्मा। इसकी नाड़ी तो चल रही है कर्मा। मेरे भाई उठो, आंखें खोलो। आप हमारी चिंता ना करें चाचा गुरु। आप जाएं और अपनी बाई साहब को बचाएं। अपनी महारानी साहब के प्राण संकट में है चाचा गुरु। पूरा मौत से लड़ रही है। उन्हें कुछ नहीं होगा कर्मा। हमारी बाई साहब को कुछ नहीं होगा। रघुनाथ जी, आप कर्मा का ख्याल रखिएगा। वास खान साहब आइए।
अद्भुत, अब तो विश्वास हो, ये विलक्षण कार इस धरती पर मनु के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। आखिर कौन है? If Lakshmibai wins, तब वो प्रिंस ऑफ मॉड को किंग ऑफ मॉड के असैसिनेशन के बारे में सब कुछ बता देगी। And right now I'm all alone here. There's no one with me. अगर सच पता चल गया तो I'm a dead man. लगता रन बकुरा के साथ ही उसकी सहायता करने के लिए आप पहुंचे। हमें कुछ करना होगा, शीघ्र आती शीघ्र कुछ करना होगा। मिस्टर नेल, ये कहां चला गए? अभी तो यहीं थे। की सदैव जीत होती है, कह देना अपने युवराज को। किरण बाकुरा ने स्वयं अपने आप को तुम्हारे सारे बंधनों और आरोपों से मुक्त करा लिया है। रण बाकुरा ने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे उसके बंधुओं की छवि धूमिल हो। हम हिंदुस्तानी अपने भाई बहनों का खून बहाने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम अपने भाई बहनों के लिए अपना खून बहा सकते हैं। इसलिए हमें दंडित करने के बजाय उन्हें दंड दो जो हमारे घोर शत्रु हैं, और हमारा घोर शत्रु ये धूर्त फिरंगी है। एक बात कान खोल कर सुन रहा, जो हमारे शत्रु का साथ देता है वो हमारे लिए उनसे भी बड़ा शत्रु होता है।
सारंगा आगे बढ़। क्रोध और आत्मविश्वास से भरी आंखों वाली स्त्री को हम कैसे भूल सकते हैं? पूरे संसार में निर्भीक बाहुबल से धनी और कोई नहीं, केवल और केवल लक्ष्मीबाई ही हो सकती है। हे देवा, ये तो हमारी मनु है। भाई साहब, कर्मा को फिरंगियों से छुड़ा लिया है हमने, किंतु उसे उपचार की आवश्यकता है, इसीलिए उसे तुरंत झांसी ले जाना होगा। परंतु आप कौसकन साहब, रुकिए। क्या हुआ तात्या साहब? कौसकन साहब, मनु नहीं है, चलिए वापस। महारानी लक्ष्मीबाई, तेरी आंखों से निकलती हुई चिंगारियां हमें बता रही हैं कि तू हमें भूली नहीं। हम तुझे आज अब सबके समक्ष ओरछा की महारानी लड़ई सरकार, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई को हम ओरछा आने का सादर निमंत्रण देते हैं, ताकि निवलकर वंश के साथ हमारी दोस्ती एक उदाहरण बने और अब हम एक हैं। ओरछा की महारानी लड़ई सरकार, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई तो पद्धति बनाने का आदेश देती है। जकड़ लो इसे पेड़ियों में, हम इसे जंजीरों में जकड़े हुए देखना चाहते हैं। और इसे कहते हैं बहन शह और मात, झांसी की रानी बंदी। तूने हमें विनाश की कगार पर लाकर छोड़ दिया। हमारे भाई, हमारे सेनापति नत्थे खान की हत्या कर दी, सब कुछ मिटा डाला लक्ष्मीबाई, सब कुछ। फिर तूने हमें क्षमा करके छोड़ दिया, भयंकर गलती की तूने। हम प्रतिशोध की आग में जल नहीं रहे थे, जी रहे थे हम। और फिर तूने मोट के महाराज की हत्या करके हमारी बहन का सुहाग उजाड़ दिया, उसके पुत्र पर प्राण घातक हमला किया तूने।
तुझे क्या लगा था तेरे इस क्रूर दुस्साहस के पश्चात तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। देख तेरे सामने तेरी सबसे बड़ी शत्रु और चाकी महारानी लड़ाई सरकार अपना हिसाब पूरा करने के लिए खड़ी हुई है। हाँ मेरी बहन, सच कह रही है तू। ये औरत तो स्त्री के नाम पर कलंक है। इसे तो ये भी नहीं सोचा कि एक स्त्री का सुहाग छीन लेने से उस पर क्या बीतती है। इसने ना तो केवल मेरा सुहाग छीना है बल्कि छल से मेरे बच्चे को विष की बुझोई तलवार से ऐसा घायल कर दिया है कि आज मेरा लाल जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए। यदि उसी पल हमारी बात स्वीकार ली गई होती तो आज हमारे महाराज की ये शोचनीय स्थिति ना होती। लगा लो आरोप, जितने आरोप लगाने हैं लगा लो, परंतु ये घिनौने आरोप लगाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी लड़ाई सरकार। और जिस दिन ये सच्चाई सामने आई सब जान जाओगे कि लक्ष्मी बाई ने। Sorry. क्या कहा आपने? Truth? Truth तो सबके सामने आ गया है। क्या कोई आप भी आपकी बातों पर बिलीव करेगा? अगर मेरे बारे में कुछ भी कहा कर्मा मर जाएगा। हम तुझे तेरे अपराधों की ऐसी सजा देंगे कि लोग याद करके कांप जाएं कि ओरछा की महारानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जाने का परिणाम क्या होता है। लूटपाट, हत्या, एक शासक को ये सब शोभा देता है क्या? तूने अपने आप को इस तरह से कलंकित कर लिया लक्ष्मी बाई कि इतिहास तुझे एक क्रूर शासक के रूप में याद करेगा। हर राज्य के संविधान में उसका शासक अपनी प्रजा और आसपास के राज्यों में प्रेम और भाईचारा निभाने की कोशिश करता है, लेकिन तू लक्ष्मी बाई एक और तो महारानी बनकर अपनी प्रजा की हितैषी बन रही है और दूसरी ओर छद्म रूप धारण करके उसी प्रजा पर अत्याचार कर रही है, उनका धन लूट रही है, हत्या कर रही है तू उनकी। तूने एक महारानी की गरिमा को कलंकित किया है। इसलिए आज ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार तुझे मृत्यु दंड देकर झांसी का शासन खुद संभालेगी।